एनीवे कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही एक्साइटेड वीडियो। आई मीन जिस वीडियो के लिए शायद मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आई मीन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई विल बी शेयरिंग माय लॉकडाउन हॉल फाइनली, जो मुझे ऑलमोस्ट लाइक कुछ प्रोडक्ट्स मुझे ऑलमोस्ट एक महीना ऑर्डर करने के बाद मिले एंड कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए विद इन 10 डेज। सो आई एम सो एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। My products, a basket full of products which I have hauled in this lockdown. ये मुझे कल ही receive हुए and fortunately मुझे तीनों sides के सारे products कल ही receive हुए। मैंने 3 sides order किए थे, purple, sugar and my glam, and तीनों के कल ही एक साथ मिले मुझे and I was so very happy yesterday that oh wow। लेकिन मैं सबसे पहले बता दूँ, अपना haul share करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि how did I receive my parcel। मुझे ई कॉम और ब्लू डार्ट वालों ने ये पार्सल दे दिया एंड दे वर लाइक वेरी वेरी हाइजेनिक, लाइक दे वर वेयरिंग ग्लव्स एंड ऑल। मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आई स्टे इन अ यूनिवर्सिटी कैंपस, इनसाइड द यूनिवर्सिटी कैंपस, जिसके आई मीन वो एंटर करना अलाउड नहीं है कोरियर वालों को, तो हमें लाइक 2 किलोमीटर्स बाहर जाना पड़ता है मेन गेट पे अपना कोरियर रिसीव करने। सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम इन दिस लॉकडाउन एंड आई वॉज लाइक मुझे डर भी था कि पता नहीं सेफ है सेफ नहीं है, कैसे मैं रिसीव करूं, उनको पैसे देने हैं ऑन आई मीन कैसे देने होंगे पैसे, लाइक बाय कैश लेंगे या पेटीएम लेंगे। बट इट हैपन सो स्मूथली एंड सो वेरी नाइसली दैट आई वाज रियली हैप्पी। एक्चुअली जब उन्होंने मुझे कोरियर का वो बॉक्स दिया, मैंने घर आते ही बाहर हमारा डस्टबिन होता है कॉरिडोर में, वहीं पर मैंने बॉक्स खोल के प्रोडक्ट्स मैं अपने अंदर ले आई, इनको रख दिया थोड़ी देर के लिए एक साइड में, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया बिकॉज इनको मैं डायरेक्ट धूप में नहीं रख सकती बिकॉज दीज आर यू नो स्किन केयर एंड मेकअप, तो डायरेक्ट धूप में आप कभी ना रखें। नाउ इट्स टाइम टू शेयर माय हॉल। सो जो फर्स्ट थिंग मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो मैंने खरीदी है, दैट इज फ्रॉम माय ग्लैम। गुगु व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, मेरा पपी फिर से मुझे वीडियो नहीं बनाने देता। हाँ गया, छोड़ के आई मैं अभी उसको अंदर। वेल जो फर्स्ट थिंग मैंने माइग्राम से माइग्राम का जो है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, दैट इज आई बॉट द लेटेस्ट लॉन्च फ्रॉम माइग्राम, दैट इज माइग्राम ट्विस्टेड वॉल्यूमनाइजिंग एंड कर्लिंग मस्कारा। इसका बहुत अच्छा फीचर है, जैसे मैंने उनकी वीडियोस में देखा है कि वो ऊपर से ट्विस्ट करते हैं मस्कारा जो ऐसा है वो ऐसा हो जाता है उसका वो जो वॉन्ड है। सो वो उसने मुझे बहुत एक्साइट किया एंड मैंने ये खरीद लिया। दिस इज अबाउट ₹645 एंड इसको खोल के दिखाती हूँ मैं फटाफट। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसको हम ट्विस्ट करते हैं तो वॉन्ड ट्विस्ट हो जाता है। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट वीडियो पे करूँगी एंड इसका रिव्यू भी करूँगी बहुत जल्दी। साथ में मुझे इन्होंने एक छोटा सा सैम्पल दिया है, इनके जो ग्लो रेंज आई है उसका फोमिंग क्लींजर का एक छोटा सा सैम्पल दिया है। सो आई विल बी यूजिंग दिस टू एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय पर्पल हॉल, शोइंग माय पर्पल हॉल। पर्पल से सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने खरीदा है वो है मेरा ऑल टाइम फेवरेट सनब्लॉक लोशन, दैट इज लोटस सेफ सन 3-in-1 मैट लुक डेली सनब्लॉक। लाइक अराउंड 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एंड आई स्टिल लव दिस। आई मीन फॉर मी सनस्क्रीन लोशन इज नथिंग एल्स बट ओनली दिस। ये है लाइक अराउंड ₹395 का, आप देखो इसकी ऑलरेडी मेरे पास एक ट्यूब थी, मैंने लॉकडाउन में एक नॉर्मल राशन दुकान से ख़रीदी थी बट मुझे था कि एक और मैं रख लूँ बिकॉज पता नहीं लॉकडाउन फिर से हो गया तो आई बी आउट ऑफ इट, सो इसलिए मैंने ये मंगवा ली। बाकी चीज़ें जो मैंने खरीदी हैं bubble.com से, दैट इज ओनली स्किन केयर फ्रॉम गुड वाइब्स। गुड वाइब्स का एक्चुअली मैं काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स सुन रही थी तो मुझे था कि आई हैव टू ट्राई दैम एंड अभी ये लॉकडाउन में मेरे स्किन प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए थे जिनके चलते मुझे लोकल शॉप से मतलब नॉर्मल चीज़ें पॉन्ड्स की क्रीम या फिर पैंटीन डव का शैम्पू यूज़ करना पड़ा। मैं वाओ का शैम्पू यूज़ करती थी लेकिन फिर जब मैंने ऑलरेडी चेंज कर लिया था तो सोचा कि चलो अब इस बार गुड वाइब्स ट्राई करते हैं, तो मैंने गुड वाइब्स का ये वाला रेंज मंगवाया अपने लिए, बनाना शाइन शैम्पू। अब देखो दिस इज़ 300 ml एंड उसी का कंडीशनर मंगवाया है मैंने
अभी तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, मैंने इसको मतलब स्मेल भी नहीं किया गाइस। नेक्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ नेक्स्ट वॉश पे। ये जो शैम्पू है ये मुझे मिला ₹275 का, और ये जो कंडीशनर है वो मुझे मिला ₹275 का। तो आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस, दिस इज फॉर शाइन शाइन शैम्पू। जो नेक्स्ट चीज़ें हैं दिखाना चाहती हूँ मैं आपको वो है हैंड सैनिटाइजर गुड वाइब्स का। एक्चुअली एक महीने पहले मैंने ऑर्डर किया था, तो उस समय शॉप सारी बंद थी, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन सैनिटाइजर मंगवा लेती हूँ, काम आ जाएगा। लेकिन अब तो शॉप्स खुल गई हैं, तो अब ये वेल काम तो फिर भी आ ही जाएगा, लेट्स सी। ये 300 ml है एंड ₹150 का है। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है एलोवेरा इंटीमेट हाइजीन वॉश, दिस इज फ्रॉम गुड वाइब्स। ये 100 ml है एंड ये है ₹195 का। इसकी पैकेजिंग वगैरह, गुड वाइब्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है ना, लाइक मुझे अच्छी लगती है। नाउ इट्स गुड वाइब्स चेरी ब्लॉसम स्किन कामिंग मेकअप क्लेंजिंग लोशन। आप देखो, एक्चुअली मेरा मेकअप क्लींजर ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्लींजिंग लोशन गुड वाइब्स का एक बार ट्राई कर लेते हैं, है ना। तो ये है 120 ml एंड गाइस मैंने ये रात को कल यूज़ किया, इट स्मेल्स ऑसम, वाह बहुत प्यारी स्मेल है इसकी। एंड इसका कॉस्ट है ₹199। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है टोनर है, ये रोजहिप का स्किन क्लैरिफाइंग टोनर। एक्चुअली अभी ना रिसेंटली आई डोंट नो व्हाई मेरी कॉम्बिनेशन स्किन थी, बट रिसेंटली वो ड्राई हो गई है, तो आई हैव स्विच्ड माय स्किन केयर टू रोजहिप। मैंने रोजहिप की दो चीज़ें मंगवाई हैं, एक ये टोनर है एंड एक और चीज़ जो है वो मैं दिखाऊंगी आपको। सो दिस इज स्किन क्लैरिफाइंग टोनर, दिस इज ऑफ ₹175। ये मैंने आज सुबह यूज़ किया, अच्छा था, लाइक अच्छा था, बहुत रिफ्रेशिंग था। रोज हिप का दूसरा प्रोडक्ट दैट इज रोज हिप हाइड्रेशन फेस जेल विच इज 100 ग्राम्स। मुझे यार इसकी पैकेजिंग बड़ी प्यारी लग रही है, देखो ना, बस काश ये ट्रांसपेरेंट होता ना, ये जो इनकी ब्राउन सी ट्रांसलूसेंट सी डब्बी है बहुत अच्छी है। एंड ये आई मुझे ₹215 की, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इट इज सो डिलीशियस, वाओ ये देखो कितना यम दिख रहा है ये, वाओ। एंड एक और जेल मैंने मंगवाई है, दैट इज नीम एंड तुलसी जेल, दिस इज फॉर एक्ने प्रोन एंड यू नो दाग धब्बे के लिए। दिस इज ऑल्सो ₹215। कभी कभी काम आती हैं ऐसी चीज़ें, नीम एंड तुलसी एंड ऑल ना, तो मैंने सोचा कि इतनी बहुत अट्रैक्टिव सी चीज़ें हैं, ये ले लो। एंड इनका रिव्यू मैं ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट आपको पता चले कि ये ऐसा था या ऐसा। नेक्स्ट डब्बी है मेरी गुड वाइब्स की एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस स्क्रब। एक्चुअली फेस स्क्रब इसको देख के मेरा बहुत मन किया एक्टिवेटेड चारकोल वाला स्क्रब, एंड ऑल यू नो इट विल बी गुड फॉर स्किन। ये भी है नहीं, ये है ₹299 की, ये मैंने यूज़ नहीं किया। मेरा मन था कि मैं कल रात को यूज़ करूँ, बट फिर सोचा कि नहीं, पहले मैं हॉल वीडियो कर लूँ फिर मैं यूज़ करूँगी, एंड देन इसका मैं रिव्यू करूँगी। ये मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर एंड कलर, ये देखें। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, प्राइस काफ़ी लाइक नॉमिनल सा है, होप सो प्रोडक्ट भी वैसा ही हो। एंड मुझे दो चीज़ें फ्री मिली इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ, वो है एक ये NYBay का शीट मास्क एंड एक गुड वाइब्स की हैंड क्रीम। तो ये दो चीज़ें मुझे फ्री मिली मेरी बाकी परचेज के साथ। नाउ इट्स टाइम टू शो माय शुगर हॉल। शुगर हॉल में जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो है मेरी ड्रॉप द बेस सीरम फाउंडेशन। मेरा शेड है 10 एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू यूज़ इट।
आपको मैं ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके की है एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹899। ये ₹899 की फाउंडेशन है। प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए वो है प्राइमर स्टिक, फेस फॉरवर्ड स्टिक्स जो है, प्राइमर एक ब्लश है और एक कंटूर स्टिक है। एक्चुअली जब ये नए नए आए थे ना, लाइक जब उन्होंने लॉन्च किए थे, मैं बहुत ज़्यादा लाइक अट्रैक्ट हुई थी, लेकिन किसी तरीके से मैंने अब मैं वो कंट्रोल किया कि नहीं, थोड़ी रिव्यूज़ देख लूँ, थोड़ा वेट कर लूँ, फिर मैं लेती हूँ, या फिर किसी ऑफ़र में आएगा तब मैं लूँगी। एंड येस, आई गॉट देम एन ऑफ़र कि आपने पिक एनी 3 प्रोडक्ट्स ऑफ योर चॉइस एट इन ₹1299 में मुझे ये तीनों मिली। वैसे सिंगल प्राइस इनका ₹799 है, तो इट वॉज़ अ गुड डील। जो प्राइमर स्टिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो कुछ इस तरीके की है, स्टिक सारी इस तरीके की हैं। ये प्राइमर स्टिक है, बहुत ही क्यूट क्यूट सी हैं। एंड जो ब्लश मैंने उठाया है वो है फॉन फर्स्ट, नहीं सॉरी, ये तो कंटोरिंग है, कंटोरिंग वाला जो शेड मैंने चूज़ किया है वो है फॉन फर्स्ट। ये देखें, एंड जो ब्लश मैंने चूज़ किया वो है कॉरल क्लाइमैक्स, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा मेरा ब्लश, कॉरल लवर हूँ ना तो कॉरल ही लूँगी, पिंक तो जब ज़रूरत होती है तब लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छी डील थी एक्चुअली फ्रेंड्स। देन आई गॉट 3 लिपस्टिक आल्सो फ्रॉम शुगर। एक मैंने ली है नथिंग एल्स मैरा लॉन्ग वेयर लिपस्टिक इन पिंक आप, ये उनकी लिमिटेड एडिशन वाली है। एक मैंने ली है उनकी क्लिक मी अप वेलवेट लिपस्टिक इन स्पाइसी सैल्मन, एंड एक ये इनका मैरा सिल्क क्रेयॉन इन रोजलैंड। तो ये तीनों की तो रिव्यूज़ आएंगी ही आएंगी, बिकॉज लिपस्टिक है तो लिपस्टिक रिव्यूज़ तो मैं डालूंगी ही, ऑब्वियसली बात है। बाकी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देती हूँ इसका शेड। इसका शेड ये है, ये रोजलैंड, एंड देन क्लिक मी अप का शेड जो है दैट इज स्पाइसी सैल्मन, वो ये रहा। ये मैंने आज यूज़ की थी थोड़ी सी, ये देखें, बट ना इसका मुझे समझ नहीं आया, क्लिक कर रही हूँ ऊपर तो आ रही है लेकिन उसको वापस कैसे भेजना है, आई नीड टू सर्च इट। वेल मैंने उसी को लगाया था अभी, लेकिन फिर मैंने चेंज करके बैरहक लगा ली। आई जस्ट लव दिस शेड, एंड ये है पिंक अप, ये बहुत प्यारा शेड है गाइस, देखो बहुत प्यारा, करना है सब करना है यूज, रिव्यू भी करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई बॉट दिस मिनी वाला सेट फाइनली। ये है स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक मिनी सेट फॉर ₹799, एंड इसमें मुझे चार शेड्स मिले हैं। जो चार शेड्स मिले हैं वो हैं, खोल के बताने पड़ेंगे, ब्रेजन रेजन, एक है ब्रिंक ऑफ पिंक टैन फैन, एंड ड्रॉप डेड रेड। सो आई बी यूजिंग देम, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट माय लॉकडाउन हॉल, जो मुझे बहुत वेट करने के बाद मिला, बट मिल गया, एंड आई वाज And I'm so excited, happy to use it. आप मेरे face पे भी देख सकते हो कि वो excitement। So अगर आपको video अच्छी लगी तो please like करना ना भूलें, and अगर कोई new viewer हमें देख रहा है तो please हमें subscribe करना ना भूलें, because it will mean a lot to us. And please मुझे अगर आप में से कोई ये ज़रूर बताए कि मैं कौन से review, कौन से product का review पहले करूँ, तो like I'll be very happy to know that. Till then, take care of yourself, take care of your family. Bye-bye. Mwah.